अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 8 अप्रैल है, आज आपका दिन कैसा गुजरेगा? और सबसे पहले माजरत के वीडियो थोड़ी सी लेट है। प्रोफेसर साहब, 8 अप्रैल कैसा गुजरेगा? लोग बेताब हैं सुनने के लिए। अभी बिस्मिल्लाह करते हैं जी, प्लीज। तो जनाब, मैं जोर से अपना अमल से शुरू कर रहा हूँ। जी, मेरे हाथ में, आप बेफिक्र हो जाए। अमल हजरात, अगर आपके तलखात रिसेंटली हाल ही में खराब हुए हैं तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आप चुप कर जाइए और माजरत न करें, खुद ब खुद ये मामला ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आप दूसरों का बड़ा ख्याल रखते हैं, बड़ा सोचते हैं और बड़ी हमदर्दी से भी, पहले भी हमदर्दी से साथ काम करते हैं, अब भी ऐसे ही करें। और उसके अलावा जो अगर फैसला करना चाहते हैं आप, वो चुप कर जाइए, थोड़ा इंतजार करें। टॉरस आ जाए जी, टॉरस। मैं टॉरस से रवाता हूँ। आज आप कुछ हर चीज को ज्यादा से ज्यादा मालूम करना चाहते हैं, तजस्सुस, इसे तजस्सुस कहते हैं। यू आर वेरी राइट, यू सीम टू बी एस्टैब्लिश्ड आर राइट हैं। चुनाचे ये बात थी या मजाक, आखिर भी आपके लिए बड़ा अच्छा वक्त है, क्योंकि आप हर चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप दूसरों की बात गौर से सुने और समझें, और आखिर में आपका ये भी मूड बन गया कि कुछ वक्त आप तन्हाई में गुजारना चाहते हैं। जोजा जोजा जी, जोजा। आप नावे खाने में जोल है, जब नावे खाने में प्लैनेट होते हैं तो आदमी बाहर मुल्क के बारे में सोचता है, बाहर गुजरी हुई तहजीबों के बारे में, फलसफे के बारे में, मजहब के बारे में सोचता रहता है। यही आप कर रहे हैं आजकल। तो आपको जिन्होंने आपकी मदद की हुई है उन लोगों के साथ रब्ता कायम रखें और उनका शुक्रिया अदा करें। आप अपने दोस्त या जो कोई साथी आजकल है आपका, उसके बाद गौर से सुने। इफ यू आर इन लव, अगर आपने मोहब्बत शुरू की हुई है तो वो गैर मशरूत मोहब्बत होनी चाहिए। गैर मशरूत मोहब्बत। आ जाए जी सरतान, कैंसर। सरतान की तरफ आता हूँ जी। जी, आप महसूस कर रहे हैं कि आप पर शरीक हयात का या आपके रोमानवी साथी का बड़ा बोझ पड़े हुए है, उन्होंने आप पर बड़ा बोझ डाला हुआ है और आप हैं बड़े एहसास बर्दाश्त करने की कोशिश करें। और दूसरा ये नजर आता है कि आज आप अपनी समाजी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा घुल मिल जाएं, जिन लोगों से घुल मिल जाएंगे वो आपको कोई ना कोई मसला हल करते नजर आते हैं। तो गो इनटू योर सोशल लाइफ और इस तरह आपके लोगों में तलखात भी बढ़ जाएंगे। दूसरा ये है जी कि आप बजाय एहसास होने के, हर वक्त महसूस करने के, अपने मामलात की तय तक पहुंचे और ये खा मखा जो आपने परेशानियां बनाई हुई हैं इससे अवॉइड करें, इस खराफात से अपने आप को निजात हासिल करें। मैं असद के तरफ असदी जी, असद रो, असदी हजरात आपको नया रोल अदा करने वाले हैं। तो अगर आप कोई काम नहीं कर सकते तो उसके बारे में कोई बहाने बुने ना बनाए, ईमानदारी से कह दें कि मैं ये काम नहीं कर सकता, बल्कि आप में इतनी सलाहियतें हैं कि आप इसी काम के लिए दूसरों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वो आपका काम करेंगे। तो जरा अपनी पॉलिसी, अपने अना को बीच में ना लाएं और दूसरों से तलखात कायम रखें। चुंबला, उसके बाद चुंबला का ये है जी कि कोई शख्स जिस उम्मीद थी आपको कि वायदा पूरा करेगा, वो वायदा पूरा नहीं कर रहा, जिससे आप बड़े मायूस हो जाएंगे और आपको ठेस पहुंचेगी। ऐसा हो जाता है, बाद में ये वायदा इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। और उसके बाद आप अपनी सरगर्मियों को मादून ना करें बल्कि ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें। मिजान लिब्रा, आप में ये एहसास पैदा हो गया है कि दोस्त मेरे साथ अजनबी हो गए हैं, नंबर वन। नंबर दो, अचानक सफर आ रहा है जिससे बड़ा खलल पड़ेगा। नंबर तीन, आपके जेहन में ये बात आ गई है कि कुछ होने वाला है, वो भी सोचें। रवानवी तौर पर बिल्कुल आगे ना बढ़े वरना भस्म हो जाएंगे। बड़ा तपश वाला रोमांस आ रहा है, अपने आप को बचाएं। ठीक हो गया। अकरब की तरह, अकरब जी, अकरब। आप बहुत जल्द किसी मसले से निपटने के लिए तैयार हो जाएं। फिलहाल वक्त गुजरने दें, वक्त के साथ साथ चलें और बाद में जो मसला आ रहा है उससे अकरबी अफराद की तरह निपटें। और उसके बाद जो बड़ी बात आ रही है, आपको बहुत कुछ मालूम होने वाला है।
पहले से भी ज्यादा जी कौसी। हाँ जी, मैं कौसी हजरात के लिए ये खबर है कि आप कोई कानूनी और तालीमी मामलात के आपके लिए बड़ी उम्मीद के हमले हैं, आप उनको हल करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा ये है कि आप कारोबारी तौर पर जो कारोबार करने वाले कौशल हजरात हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा मुनाफा या नफा बख्श काम कर रहे हैं और दिन ब दिन आमदनी बढ़ती जा रही है। और दूसरा ये भी है कि आप ये भी सोच रहे हैं कि मैं अपने कारोबार को घर में करूँ, आप घर में ही रहकर कारोबार करना चाहते हैं। जद्दी हजरात, जद्दी जी कैप्रिकॉर्न, हाँ जी, आपको अपनी रोमांचित जिंदगी बड़ी हलचल और बड़े उतार चढ़ाव और बड़े खिंचावतों से वास्ते पड़े हुए हैं। आप जरा कोशिश करें, आपके तलकात बहाल हो जाएंगे और आप खुश हो जाएंगे और अपने बात का खुलकर इजहार करें रोमानी मामलात में। उसके बाद आप जो माजी में हो चुका है और बहुत कुछ हो चुका है पिछले सालों में, बहुत कुछ हो चुका है, आप उसको तो आप तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन कम अज कम मौजूदा हालात में तो बेहतरी लाने की कोशिश करें, एडजस्ट करें, या जैसे मेरे मोहतरम कह रहे हैं आप एडजस्ट करें और इस तरह आप बेहतरी की तरफ जाएंगे। बिल्कुल। मैं आता हूं दल की तरफ। एक्वेरियस, आप जिस काम के लिए कोशिश कर रहे हैं या जो काम अपनाया हुआ है उसमें आपको बड़ी कामयाबी आ रही है, आप इस काम में नुमाया हो जाएंगे, लोग आपको तस्लीम करेंगे, लोगों में आपकी पोजिशन बहुत नुमाया होने वाली है। उसके बाद आप किसी कीमती चीज को खरीदने के लिए पैसे आने के बाद, जो कि पैसे आ रहे हैं, आपको कीमती चीज खरीदने वाले हैं, फिलहाल ऐसा ना करें, उन पैसों को माली सूरदार को अपने हाथ में रखें और फजूल अखराजात से बचें। पाइसेस जी, पाइसेस रोमानी मामलात के हवाले से आपका साथी हर मामले में, आप चाहते हैं कि मेरा साथी हर मामले में मेरा अब ख्याल हो जाए, आप अपने जज्बात का इजहार करें और अपने साथियों को एहसास दिलाएं ताकि वो ये समझें कि वो आपके साथ हर मामले में हम ख्याल हो जाएं, कोशिश करें और ऐसा हालात बेहतर हो जाएंगे। आपके जो मौजूदा सूरत हाल बनी हुई है इसे फ़ायदा उठाने की पूरी पूरी कोशिश करें, इसमें कामयाबी नज़र आती है। और आपकी शख्सियत में कुछ ऐसे प्लैनेट आजकल आए हुए हैं कि आपकी शख्सियत मिसाली शख्सियत बन सकती है, आप दूसरों को अपनी तरफ खींचेंगे एक गुरु बनकर और लोग फिर आपकी रमनाई को तस्लीम करेंगे। थैंक यू नाजरीन। नाजरीन, आपने सुनी प्रोफेसर साहब की बात और आखिर में मैं फिर आपसे माजरत करता हूँ कि आज की ये वीडियो थोड़ा लेट हो गई, उसकी वजह ये हालात थे, कल बहुत मसरूफियत रही प्रोफेसर साहब की भी, तो अभी इंशाल्लाह आपको अगली जो वीडियोज हैं वो टाइम पे मिलेंगी और बिल्कुल आप इसको बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, इसको जो चैनल है हमारा इसको भी सब्सक्राइब कर लें और जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आप तक उसकी इंटीमेशन आ जाएगी, फिर आप उसको देख सकेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।